आज 1 नवंबर है और मुझे ट्रिप पे निकले हुए तकरीबन 12 दिन हो गए। आज का दिन जो है वो बड़ा अहम भी है और मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी है। एक तो मेरे दोस्त जो है सैयद यासर शाह, जिनके साथ पहले भी मैं बलूचिस्तान आया हुआ हूँ ज़्यारत, वो आज आ रहे हैं किला सैफुल्ला। दूसरा ये है कि बाइक का जो ऑयल चेंज करना है, उसकी कुछ मेंटेनेंस है वो पूरी करनी है, और उसके बाद मैं अपने रूटीन से हट के क्वेटा से किला सैफुल्ला जाऊंगा और 2-3 दिन वहाँ गुजारूंगा। और उम्मीद है कि शाह साहब जो है वो वापस मुल्तान चले जाएंगे और मैं देन आई विल अगेन अलोन एंड सोलो राइडर इन बलूचिस्तान। जा रहे हैं मैकेनिक के पास, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त और बाइकर मिलाल शाह साहब हैं। ये कोटा की जिनार रोड है और बड़ी फेमस रोड है। इस बार में ये मैकेनिक है 3 स्टार ऑटो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चल रहे? तो खैर दे ठीक है। पूरे पाकिस्तान में रोड ली थी ना, बहुत कमाल की बाइक है। टॉर्क इसका, इसकी जो जितनी भी क्वालिटी के हिसाब से जो भी आप अगर बात करेंगे, ये बिल्ट हुई है जापान में, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 125 है, यामाहा YBR 125 है, लेकिन ये ऑलमोस्ट उसी तरह की है। इसका जो डिज़ाइन है इसका तकरीबन सब कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिखेगा आपको, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप इसको चलाएंगे। बिलाल भाई ये बताइए इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर की है। शुक्रिया जी। ओके अमित भाई, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया जी। कोटा बलूचिस्तान का बड़ा शहर है और वाहिद शहर है जो बलूचिस्तान में डेवलप है। तो कोटा जैसा शहर पूरे बलूचिस्तान में नहीं है, इस यही वजह है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी महंगी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलती है और मरले के हिसाब से नहीं मिलती, क्योंकि सारा बलूचिस्तान यहाँ उमड़ आता है और ये एक मरकजी शहर है। कोटा शहर में आपको जगह जगह जो ये कंधारी अनार है वाफर मकदार में मिलते हैं। कोटा बल्कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से और मुख्तलिफ किस्म के जो फल हैं उनसे माला माल है। मैं अब शहबाज टाउन जहाँ पे मेरी रिहाइश है पहुँच चुका हूँ। बस यहाँ से कुछ सामान है जो बाइक पे लोड करना है और उसके बाद इंशाल्लाह हम किला सैफुल्ला से निकलते हैं। ये जो रोड है इसको एयरपोर्ट रोड कहते हैं और ये बड़ी डेवलप रोड है कोटा की। इधर शोरूम भी है और जो कोटा के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं वो इसी रोड पर हैं, और यही रोड जो है ये कचलाक को कनेक्ट करती है और उसके आगे कचलाक के आगे आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। चमन जाना चाहें, ज़्यारत जाना चाहें, किला सैफुल्ला जाना चाहें या फिर पंजाब वापस जाना चाहें, आपकी मर्जी।
बारिश की अजानें भी आ रही हैं। मैं इस वक्त खान मेहतर गई में पहुँचा हूँ जो कोटा से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ से जो किला सैफुल्ला है वो तकरीबन 90 किलोमीटर है या 85 किलोमीटर है। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट रुकूँगा क्योंकि सर्दी बहुत है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ मैं चाय पीऊँगा, 5 मिनट का रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है किला सैफुल्ला का जो सफ़र है वो जारी रखेंगे। मैं किला सैफुल्ला पहुँच गया हूँ, 8 बज रहे हैं रात के। रात में मोटरसाइकिल चलाना रोहिस्तान में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। बाकी नहीं पहुंचे अभी? अभी वो भी आप से थोड़ा सा पीछे, वो मिनट लग जाएगा इनको, पहुंच गए अभी, मुझे कॉल किया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मतलब मैं उनसे तेज निकला हूँ। बस आप 5 मिनट, हम कहेंगे भाई मैं कब से बैठा हूँ। आप शेर अभी मुड़े हैं, बस वो वहाँ से उनका सिग्नल काम शुरू किया बस। अच्छा, शाह जी किला सैफुल्ला पहुंच गए हैं और जहां भी बैठते हैं बंदूकों का ही जिक्र शुरू कर देते हैं। वाह, बंदूकें बंदूकें बंदूकें। चल उठी यार, रोटी खा भी हूं। ये क्लिप खत्म कर दो ना, अब यहां से बस एक बना।